मतलब बेसिकली पावर कैसे चेक करें और बिना कोई सर्किट डायग्राम के। मान के चलिए मेरे पास का कोई सर्किट डायग्राम नहीं है, तो एसर टेलीकॉम आपको बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाएगा क्लास में जो सर्किट डायग्राम के बिना। ऐसे लेटेस्ट हैंडसेट में आप देखो कितनी सारी कॉइल लगी है इसमें। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। सो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक वीडियो फिर से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत अपडेट और लेटेस्ट वीडियो है और ज़्यादातर ऐसे फ़ोनों पे कोई नहीं बताता क्या। हाँ तो ये जो वीडियो है ये वन प्लस का है। एक्चुअली मैं इसका CPU बना रहा हूँ, आप नोटिस कीजिए, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक वन प्लस का अभी हाल में ही डाला है। हालांकि वन प्लस से मैं बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें मैं CPU बना चुका हूँ। तो ये मेरा इसका CPU और RAM निकाल कर रिवॉल्व करके वापस लगाऊंगा। बट दोस्तों इसमें फॉल्ट एक और था, इसमें है ना पावर लाइन VCC क्यू शॉर्ट हो रही थी और ये इसकी वजह से। तो पावर IC निकाली तो शॉर्टिंग हट गई। बट अगर हम बात करेंगे कि अगर मैं पावर IC लगाता हूँ तो क्या वाकई में ये काम करेगी, तो ये कैसे चेक करें, मतलब बेसिकली पावर कैसे चेक करें और बिना कोई सर्किट डायग्राम के। मान के चलिए मेरे पास का कोई सर्किट डायग्राम नहीं है, तो एसर टेलीकॉम आपको बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाएगा क्लास में जो सर्किट डायग्राम के बिना। ऐसे लेटेस्ट हैंडसेट में आप देखो कितनी सारी कॉइल लगी है इसमें, गिनो। तो हम गिनते हैं कॉइल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 कॉइल यहाँ लगी हैं और तीन पावर हैं दोस्तों। एक पावर ये है, एक पावर ये है, एक पावर ये है। तीन पावर का सर्किट है ये यहाँ पर। ये भी आप नोटिस करोगे तो PM है, देखो PM लिखा हुआ है, PM8005 है ना। तो अभी ऐसे सर्किटों को समझने के लिए ना अभी जिंदगी भर अगर 5A में रहोगे तो क्या ही समझोगे, पर शुरुआत तो 5A से करनी पड़ती है, बात भी सही है ना। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत तो आप साइकिल से करते हो, फिर बाद में धीरे धीरे अपग्रेड होते हो। डायरेक्ट मर्सरीज तो नहीं चला हो गए हैं। बट यार आपको है ना ये नॉलेज भी होना चाहिए कितनी क्या पावर है। तो ये सारी नॉलेज तो मैं बहुत डीप लेवल पे क्लास में दे पाऊंगा, है ना, क्योंकि यूट्यूब में देना बेकार है फ्री का कंटेंट ये सारी चीज़ें, क्योंकि लोग गलत यूज़ करते हैं इसको, फिर लेने के बाद भी सही तरीके से नहीं आती रिजल्ट। तो फिलहाल मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिलहाल अभी इतना समझ लो कि अगर मैं IC लगाता हूँ तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत से तो आप समझ जाओगे कि ये पावर कैसे चेक होगी। पावर चेक करने के 10 पॉइंट हैं दोस्तों, मैं 10 के 10 बताऊँगा क्लास में, बट ठीक है अभी फिलहाल मैं अब पावर लगाता हूँ इसमें, ठीक है। तो हम इसमें ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि पीछे सारा ब्लैक पेस्टेड मामला है। और ये भी चेक करना है कि पावर IC शॉर्ट हो सकती है भाई, हो सकता है वीडियो काम ही करना रहा है कोई, क्योंकि अभी मैं ये समझ रहा हूँ कि पावर IC ब्लैक पेस्टेड है, शॉर्ट नहीं होगी। ब्लैक पेस्टेड ICU में जनरली क्या होता है, जब ग्लू फूल जाता है तो वो शॉर्टिंग दिखाता है। तो थोड़ा सा हीट दे के पहले IC को बिठाते हैं। एट सीरीज की IC लगी होती है इसमें, मैंने इसी के IC रिवॉल्व करके वापस लगा रहा हूँ। पहले VCC शॉर्ट था इसमें, नोज कट पॉइंट का बहुत इम्पोर्टेंट आपको ख्याल होना चाहिए, ठीक है। तो नोज कट पॉइंट तो मैंने देख लिया है, आई थिंक मैं सही हूँ नोज कट पॉइंट में। और अगर मान लो दिक्कत है तो कोई दूसरे बोर्ड से निकाल के देखो, बिल्कुल नोज कट पॉइंट सही है, ठीक है। अभी ये दो फोन बनाए हैं, अभी एक फोन है और तो इसको भी बनाना है।
चले अब हीट देंगे। देखो अभी मूवमेंट करेगी, अभी मूवमेंट करेगी, ये देखो कड़ी मूवमेंट, मतलब ये आपकी ऐसी बैठ गई है। अब थोड़ा सा पुश करेंगे, मतलब थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, ये देखो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। तो आईसी लगाना तो हम आपको 3 दिन में फ्री में ही सिखा रहे हैं, हमने तो आपसे पैसे भी चार्ज नहीं कर रहे भाई। हम आपसे कहते हैं कि बस फीस दो, बट 4 दिन 4 दिन में अगर आईसी निकाल ली लगा ली और ये सब होने के बाद भी अगर सर्टिफिकेट भी आपको लगता है कि हम वैसा नहीं सिखा रहे जैसा हम वीडियो में बताते हैं, आपको लग रहा है कि आप मतलब डीप लेवल वाला नहीं है काम, तो चले जाओ 4 दिन बाद पूरे पैसे लो और चले जाओ। इतनी गारंटी बेस्ट तो देना पड़ेगी ना भाई इस मार्केट में। अच्छा अच्छा बनना है, बेस्ट है, तो बेस्ट लोगों को बेस्ट चीज तो देनी पड़ेगी। अब क्या होता है दोस्तों, आप बोलेंगे सर आप 4 दिन बाद फीस क्यों नहीं ले लेते। अब भाई हम फीस तो ना लेते बैठेंगे भाई, 4 दिन बाद लाओ फीस लाओ। रनिंग क्लासेस हैं, 8 बजे से हम क्लासे पढ़ाते हैं, थोड़ा ना सुबह 7 बजे आओ फीस जमा करो, ऐसा नहीं होता है। भरोसा भी एक चीज होती है जो आपको करनी पड़ेगी हम पर, दोनों साइड से भरोसा होता है दोस्तों, सिर्फ एक साइड से नहीं होता है ना। आप ये सोचो कि कोई आपके एक फीस से कोई लखपति भी नहीं बनने वाला, तो ये दिमाग में रखो कि एक बड़े इंस्टीट्यूट कभी भी ऐसी गलती नहीं करते। और जब वो 4 दिन का दे रहे हैं तो वो लिखवा के, क्योंकि हम तो आपको पूरा सिग्नेचर करवाएंगे जिसमें लिखा होगा कि 4 दिन में हम आपको पैसे वापस कर देंगे, और कसम से अगर करने पड़े पैसे वापस तो बहुत बड़ा रीज़न होगा कि आप ही का होगा कोई रीज़न, बाकी 99.9% भी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब पहले दिन ही पता चल जाएगा कि क्या स्टेटस है हमारा। क्योंकि जो हम देने वाले हैं ना वो आप सोच नहीं सकते, आपको लगेगा आप पहले आ जाते हमारे पास 1 साल 2 साल पहले, तो आपकी किस्मत बदल जाती। अब दोस्तों सबसे पहले मैं ना शॉर्टिंग चेक करता हूँ, क्या मेरे को ना इस कैपेसिटर पे शॉर्ट आ रहा था, ये कैपेसिटर दिखाई दे रहा है ये, तो ये कैपेसिटर में मैं पहले चेक करता हूँ कि मुझे शॉर्टिंग आ रही है कि नहीं आ रही है यहाँ पर, और चेक करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, नोटिस करो, ग्राउंड लगा दिया, पहले ग्राउंड टू ग्राउंड चेक करें, ये ग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो ठीक है कोई रीडिंग नहीं आ रही है, और इसका मतलब ये है कि मामला ओके है। बट दोस्तों वीडियो ये नहीं है ना, वीडियो तो कुछ और है, वीडियो तो ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपकी पावर ओके है कि नहीं। खाली जीआर से तो ना कुछ होता है, है? क्या खाली जीआर से कुछ होगा क्या, बताओ कमेंट करो। एक पावर का आउटपुट पावर देना होता है ना, तो अब हम देखते हैं कि इसका पावर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये सिक्वेंस समझ लिया जिसने, उसने मतलब समझो कि मोबाइल रिपेयरिंग में फतेह हासिल कर ली है। तो बहुत कुछ, पर ये सिक्वेंस बहुत मैटर करता है डेड फोन बनाने में। तो अब चार्जर वार्जर लगा के एक बार इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि लाइनें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, और मैं इसमें अपना मल्टीमीटर यूज में ले रहा हूं, तो आपको मल्टीमीटर अभी दिखाई देने वाला है विंडो में, ये देखो थोड़ा सा
यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपको मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है, और उसको रख देते हैं डीसी वोल्ट में, आ गया। अब देखो अभी भी कंडीशन सीपीयू उतरा हुआ है, पावर लगाई है, वही बोर्ड है, और दूसरा बोर्ड भी दिखा देता हूँ। दूसरे बोर्ड में देखो सीपीयू लगा हुआ है, कहीं मत बोलना कि दूसरा बोर्ड रख लिया। क्या बोलें सर, कितना अच्छा कर लो पर अच्छाई का कोई रिजल्ट नहीं है। एक बात तो मैं समझ गया, जितना भी अच्छा कर दो अच्छाई का रिजल्ट नहीं होता है, इसलिए बुरे बन के रहो तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छे बनोगे ना तो कान काटेंगे लोग आपके। ऐसा हुआ भी हमारे साथ, एक बहुत अच्छा हम बने एक के साथ और कान काटे हमारे। अब लोगों को सीखना भी है, लोगों को इज्जत भी चाहिए, लोगों को सब चाहिए, ऐसा तो ना पॉसिबल है। बट और बच्चे समझते हैं वो सबको, उनको लगता है कि उनको छोड़ के सब बच्चे हैं दुनिया में, हलवा है उनको लगता है, हलवा है इंस्टीट्यूट मतलब हलवा। क्या बोले ऐसे बच्चों को, अब देखो मैं चार्जर लगा रहा हूं और अब मैं अपना बीपीएच चेक करूंगा और फिर मैं बक चेक करूंगा, तो मेरे को लगेगा कि हाँ भाई मेरा लाइन आउटपुट दे रहा है, मतलब पावर मेरा ओके है। देखिए चार्जर लगा दिया मैंने, मैं और मैंने केबल वेबल लगा दिए, जो मेरी B2B केबल है तो वो मेरी लग गई है, ये केबल लग गई मेरी, बैटरी नहीं लगाई मैंने। और अब मैं चेक करूंगा कि मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और जिनको नॉलेज नहीं है तो वो कमेंट ना करे बेमतलब के, कोई मतलब नहीं है, आगे कमेंट नहीं कर पाओगे कभी, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना। नॉलेज है तो कमेंट करो भाई, नहीं है तो नॉलेज लो, जियो से उठो ऊपर। देखिए तो सबसे पहले VPH चेक करेंगे कि बोर्ड में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए VPH बन रहा है 3.2, हाँ ठीक है। अब यहां पे नोटिस करो, इसमें से देखिए ये वोल्टेज दिख रहा है आपको, बन रहा है ना, तो मतलब मेरा मतलब है कि पावर बिल्कुल ओके है। कुछ कॉइलों पे वोल्टेज नहीं बनेगा दोस्तों, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये मैं क्लास में बताऊंगा इसलिए नहीं बनेगा, है ना। क्लास का कंटेंट है भैया, और एक वीडियो में बता भी दूंगा ना तो क्या ही बताऊंगा, जो क्लास में बताऊंगा वो बहुत नेक्स्ट लेवल बताऊंगा, मजा आएगा उसको। उसको क्या है, जो भी मैं बताऊंगा ना उसको तुम भी करोगे प्रैक्टिकल अपने हाथों से, तो उसमें क्या ऑन द स्पॉट सीखोगे, और अपने सेट पे करना जो तुम लाओगे, तुम जिस सेट में बोलोगे सेट में डन। मुझे सर्किट डायग्राम की जरूरत नहीं है, समझ रहे। तो मेरा पावर एकदम ओके है, आप वोल्टेज देख सकते हो, अगर मैं ये लगाता और मेरे को वोल्टेज नहीं मिलता तो मैं समझता कि मेरा पावर ओके नहीं है, क्योंकि फोन में शॉर्टिंग नहीं है किसी भी प्रकार का। और हाँ मैं बग भी, बग से नहीं और बहुत सारी चीज़ में बग ही नहीं चेक किया मैंने, LDO भी चेक की अपनी लाइनें, बहुत सारी लाइनें ऐसी भी हैं जहाँ पर हमें वोल्टेज मिल जाते हैं अलग अलग, आप समझ रहे मेरी बात। बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं जहां पर हमको वोल्टेज मिल जाते हैं, जो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई यहां पे वोल्टेज आ रहे हैं। खैर मेरा पावर एकदम ओके है, और मेरा जो VCCQ का लाइन है, एक बार मैं आपको दिखाता हूं, चलो वो लाइन भी नोटिस करो, ये स्कीमेटिक
ये कैपेसिटर पर बन रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये यहाँ से भी निकल रहा है, इस कैपेसिटर में भी चेक कर सकते हो दो के बीच में। तो आइए चेक कर लेते हैं। इस कैपेसिटर से क्या पता चल जाएगा ना, ये कैपेसिटर, ये दिख रहा है, ये 1.8। सो देखो 1.8, अब वो फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है ये सोचते रहो, कुछ करेंगे आपके लिए। फिगर मत करो, सब्सक्राइब कर लो, कुछ ना कुछ नया डालते रहेंगे, इतना भी तो पता चला। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबॉल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूँ आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सर, रिबोल करके लगाना, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की। ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर क्या? मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया करो? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर, खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट